बीते दिनों एनबीसीएन न्यूज में डाली गई खबर के आधार पर गंगा जमुना में 10 साल से लापता लड़की के असली माँ बाप का पता निकालने के लिए पुलिस ने सभी से अनुरोध किया था और इसी के आधार पर गोंदिया से एक दंपति ने इस बच्ची पर अपना होने का दावा ठोका है। मामले में लकड़गंज पुलिस ने अपने तरीके से जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी महिला से भी हर तरीके से खुलासे करने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों एनबीसी न्यूज में डाली खबर के आधार पर गंगा जमुना में 10 साल से लापता लड़की के असली माँ बाप का पता निकालने के लिए पुलिस ने सभी से अनुरोध किया था। आखिरकार इसी खबर का संज्ञान लेते हुए गोंदिया से एक दंपति ने इस बच्ची पर अपने होने का दावा ठोका है। चार दिवसापूर्वी एका अल्पवयीन मुलीला आम्ही गंगा जमुना एरियातून रेस्क्यू केलेला आहे। त्या मुली त्याच्यावर गुन्हासुद्धा दाखल करून तपास सुरू आहे। आज रोजी आणि त्या दिवशी आम्ही पंचनामा केला असता त्या घरात अल्पवयीन मुलींना लपवण्यासाठी एक अशी छुपी जागा मिळाली, ज्याला आपण तळघर म्हणता येणार नाही, पण तळघरासारखंच एक वर टेरेसवर छुपी जागा मिळालेली आहे। तिथे 3 ते 4 मुली आरामशीर लपून ठेवू शकतात अशी जागा मिळाली आहे। पंचनामात आम्ही त्याचा उल्लेख घेतला आणि ग्राहकांना ऑनलाईन सुविधा देण्यासाठी QR कोडचं एक हे पण मिळालेलं आहे, ते QR कोड स्कॅन पण करू शकतात अशी सुविधा त्यांनी केलेली आहे। सध्या ते घर बंद स्थितीत जरी असलं तरी यापूर्वी त्या सुविधा आणि तसे व्यवसाय करीत होते, यावरून हे उघड होते। वहीं दूसरी तरफ आरोपी महिला से भी हर तरीके से इस मामले में खुलासे करने की कोशिश लगातार की जा रही है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।